किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, भाजपा सरकार में देश की व्यवस्था को देखिए, जब भाजपा के खरबपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल कालीन डाली जाती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली आने के रास्ते खोदे जा रहे हैं। वैक्सीन का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश की 3 प्रयोगशालाओं के दौरे पर, महामारी के खिलाफ भारत में बन रही वैक्सीन। राज्यपाल ने योगी सरकार के लव जिहाद वाले धर्मांतरण रोधी अध्यादेश को दी मंजूरी, आज से लागू। मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 की अधिसूचना की जारी। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में पहले चरण में 43 सीटों पर हुआ मतदान, श्रीनगर में सबसे ज्यादा मतदान, पहली बार जिला विकास परिषद के लिए हो रही है वोटिंग। केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेचने वाली है अपनी हिस्सेदारी, बीपीसीएल एलपीजी गैस का उपयोग करने वाले 7 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को होगी परेशानी। मोदी सरकार ने कैब कंपनियों पर कसी लगाम, अब नहीं वसूल पाएंगी ज्यादा किराया, कंपनियां नहीं ले सकेंगी मूल किराया का 1.5 गुना से ज्यादा शुल्क। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम से की बात, चक्रवात निवार से हुए नुकसान में सहायता का दिया भरोसा, मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नीति आयोग का मंदी से इनकार, वीसी बोले, लौट रही इकोनॉमी की रफ्तार, हम संकट के दौर से बाहर आ रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के घर में भाजपा ने झोंकी ताकत, नगर निगम चुनाव को भाजपा ने दे दिया लोकसभा चुनाव का रूप। ऐसी में केंद्र बोला, कोरोना के बढ़ते केस के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार, आम आदमी पार्टी बोली, गलत तथ्य पेश किए। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने वाली चीन और रूस की कंपनियों पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी, विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दी जानकारी। भारत और रूस के बीच कभी भी हो सकती है भिड़ंत, दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां लगी निगरानी पर, भारत का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 2F बेहद खतरनाक तरीके से रूस के एक सैटेलाइट के काफी करीब। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीन पर पलटवार, कहा, मेरी पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहें, अन्य देशों से बिना किसी सहायता के अपनी पार्टी के भीतर चुनौतियों को संभालने में सक्षम नेपाल। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की गोली मारकर हत्या, ईरानी विदेश मंत्रालय का आरोप, कहा, हमले के पीछे इजराइल। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर इलेक्टोरल कॉलेज बाइडेन को विजेता घोषित कर देगा तो व्हाइट हाउस छोड़ दूंगा, चुनाव के बाद पहली बार मीडिया के सवालों के दिए जवाब। बर्गर किंग का IPO 2 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, कंपनी ने इस IPO के लिए 59 से 60 रुपए का रखा प्राइस बैंड, IPO में कंपनी प्राथमिक बाजार से जुटाने वाली है 810 करोड़ रुपए। सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट, सोना 43 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 48,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ बंद, महामारी के टीके की प्रगति को लेकर निवेशकों ने अपनाया सतर्क रुख। मिर्जापुर के रॉबिन प्रियांशु ने गर्लफ्रेंड वंदना जोशी के साथ रचाई शादी, प्रियांशु ने शादी की तस्वीरें एक प्यारे से नोट के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की, प्रियांशु ने लिखा कि ये उनके जीवन का सबसे अच्छा दिन था। बार्क की 46वीं लिस्ट जारी, टॉप 5 में जगह बनाने में नाकामयाब रहा बिग बॉस 14, स्टार प्लस के शो अनुपमा का जलवा बरकरार। मुश्किल में फिर फंसेगी टीम इंडिया, सिडनी में नहीं चलता है विराट कोहली का बल्ला, ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का रिकॉर्ड बेहद खराब, जीत के लिए भारत को करनी होगी बेहद मशक्कत।